चाहिए होती है। जब तक बच्चों को प्रैक्टिस नहीं मिलती है तब तक उन्हें अच्छे से जो चैप्टर होता है उसको फोकस नहीं कर पाते हैं। तो लास्ट तक प्रैक्टिस के लिए आप जरूर बने रहा करिए। हेलो बच्चों, वेलकम बैक। और आज आप जो सीख रहे हैं एरर्स ऑफ कंजंक्शन। क्या होते हैं एरर ऑफ कंजंक्शन, व्हाट इज एरर ऑफ कंजंक्शन? तो सबसे पहले हमको इससे पहले जानना जरूरी है कि कंजंक्शन होते क्या हैं। कंजंक्शन क्या होते हैं? जो दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं उनको कंजंक्शन कहते हैं। जैसे ट्रेन होती है, ट्रेन को जोड़ने के लिए एक जॉइंटर की आवश्यकता होती है। किसी भी पेज को जोड़ने के लिए गम की आवश्यकता होती है। तो इसी प्रकार से किसी न किसी वस्तु को जोड़ने के लिए जब किसी तीसरी वस्तु की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से दो या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़ने के लिए एक जॉइंटर यानी कि कंजंक्शन की आवश्यकता होती है। तो ये कंजंक्शन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंजंक्शन? आप सभी ने मेरी लास्ट वीडियो में यानी कि जो आपने कंजंक्शन चैप्टर पढ़ा है उसमें देखी है आपने कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। तो थ्री टाइप्स ऑफ कंजंक्शन, नंबर वन कोऑर्डिनेटिंग, टू सबऑर्डिनेटिंग एंड थ्री कोरिलेटिव कंजंक्शन। तो आपको इनमें वर्ड्स भी हमने बताए थे कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो पेयर से यूज होते हैं, कुछ वर्ड्स जो होते हैं कि जो फर्स्ट वर्ड यूज होता है उसके अकॉर्डिंग ही सेकंड सेंटेंस को हम जोड़ने का काम करते हैं। क्या है ये सभी? जैसे आइदर और, आइदर के संग हमेशा और का जोड़ा होता है। नाइदर नॉर, नाइदर के साथ हमेशा नॉर का जोड़ा होता है। नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली के संग बट ऑल्सो का जोड़ा होता है। लेकिन मॉडर्न टाइम में नॉट ओनली के संग बट का यूज भी किया जाने लगा है। तो बहुत सारे ऐसे जोड़े हैं जो हमने आपको लास्ट वीडियो में सारी चीजें डिटेल में बताई हैं। जिन्होंने ना देखा हो वो लोग लास्ट वीडियो भी अवश्य देखें। और जानने के लिए चलते हैं कुछ विशेष रूल आपके एरर ऑफ कंजंक्शन में। चलिए, रूल नंबर हमारा फर्स्ट है व्हेन के बाद प्रिंसिपल क्लॉज में देन का प्रयोग नहीं होता है। व्हेन यानी कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में जब हम व्हेन का यूज करते हैं तो सेकंड सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमें देन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर अर्थ क्या होता है, व्हेन ही केम हियर, जब वह यहाँ आया, कॉमा देन यानी कि तब, आई वॉज रीडिंग अ बुक, मैं एक बुक पढ़ रहा था। तो तब यानी वैन के संग जो कॉमा होता है उसका अर्थ अपने आप में होता है तब, इसलिए यहाँ देन की कोई आपको आवश्यकता नहीं है। तो क्लियर हो गया होगा। तो इसका जो करेक्शन होगा वो क्या बनेगा, व्हेन ही केम हियर कॉमा, ये देन जो होगा अब हट जाएगा, आई वॉज रीडिंग अ बुक, क्या बन गया, व्हेन ही केम हियर कॉमा आई वॉज रीडिंग अ बुक। ध्यान रहेगा कि व्हेन के साथ में देन का प्रयोग नहीं होता है, केवल कॉमा का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है एज सून एज, एज सून एज का अर्थ होता है ज्यों ही। ध्यान दीजिए, एज सून एज का अर्थ होता है ज्यों ही या जैसे ही। उसके बाद भी हमेशा कॉमा का प्रयोग होता है, अर्थ जब तब का देते जरूर है। जैसे as soon as he came here, जैसे ही या जो ही वह आया, he shut the door and slept, वह सो गई, उसने दरवाजा बंद किया और वह सो गई। तो यहाँ पर जो है हमने कुछ नहीं लगाया है, यहाँ then when भी आपको कहीं कहीं मिल सकता है, लेकिन जो करेक्शन रूल है वो क्या रहेगा, as soon as he came here, comma, यहाँ क्या लगाएंगे, comma, he shut the door and slept, क्लियर है? और भी अच्छे रूल्स के लिए लास्ट तक वीडियो आप लोग देखोगे, क्योंकि मेरी जितनी भी वीडियोस हैं उन सभी में जो चैप्टर आप स्टार्टिंग में पढ़ते हो उसमें
लास्ट में आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज अवश्य मिलती है। ये हमारे वीडियोस में सभी में स्पेशलिटी है, क्योंकि बच्चों को क्या चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए होती है। जब तक बच्चों को प्रैक्टिस नहीं मिलती है तब तक उन्हें अच्छे से जो चैप्टर होता है उस पर फोकस नहीं कर पाते हैं। तो लास्ट तक प्रैक्टिस के लिए आप जरूर बने रहा करिए, रूल्स जो सीखे ही सीखे इसके साथ प्रैक्टिस भी आप अवश्य करना। नेक्स्ट है नंबर थर्ड, नो सूनर प्लस हेल्पिंग वर्ब। देखिए नो सूनर माने जब तक कि नहीं, और उसके बाद नो सूनर के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। फिर दो सेंटेंसेस के बीच में जो वर्ड प्रयोग होता है वहां पर क्या करेंगे आप, देन का प्रयोग करोगे। कैसे, देखिए जैसे नो सूनर एज ही केम हियर कॉमा ही शट द डोर। अब यहाँ पर हमने बहुत सारी मिस्टेक की हुई हैं, जो आपको रूल में बताई है वही सब मिस्टेक भी हैं। देखिए आपको बताया नो सूनर की संख्या प्रयोग होना हेल्पिंग वर्ब, तो हमको ये देखना है नो सूनर एज ही केम, केम क्या है हमारी सेकेंड फॉर्म हो गई, लेकिन नो सूनर के साथ में हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है। तो आपको ध्यान होना चाहिए सेकेंड फॉर्म है यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। तो क्या आना चाहिए यहाँ पर, नो सूनर डिड ही, अब जब डिड यहाँ पर आ गया तो केम कौन सी फॉर्म में आएगा, फर्स्ट फॉर्म में, कम हियर। दूसरी चीज आपको क्या बताई थी, उसके साथ में क्या प्रयोग करती हूँ, देन, हमने क्या यूज किया है कॉमा, तो यहाँ पर कॉमा हटा के हम क्या यूज करेंगे, देन ही शट द डोर। ये इसका करेक्शन हो गया, क्या, नो सूनर डिड ही कम हियर देन ही शट द डोर। क्लियर हो रहा है सभी को, अच्छा लग रहा होगा पढ़ने में, वीडियो को लाइक अवश्य करिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर किया करिए, क्योंकि जिससे कि आपके पास समय समय पर नोटिफिकेशन मेरी न्यू वीडियो की पहुंचती चले। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट रूल की तरफ। देखिए स्केयर्सली या हार्डली यानी कि मुश्किल से ही, क्या अर्थ होता है इसका, मुश्किल से ही। तो स्केयर्सली या हार्डली जब शब्द आता है कंजंक्शन के रूप में तो उसके बाद देन नहीं लगाते हैं, यानी स्केयर्सली या हार्डली के बाद देन का प्रयोग नहीं होता है। इसके बाद किसका प्रयोग होता है, वेन या फिर बिफोर का यूज आपको करना होता है। ध्यान देंगे ये बहुत स्पेशल रूल है ये, और एग्जाम में तो ये समझ लीजिए रखा हुआ है, स्केयर्सली या हार्डली के बाद देन नहीं लगाते हैं, क्या लगाते हैं इसके बाद, हमेशा वेन या बिफोर लगाते हैं। कैसे, जैसे एग्जाम्पल हमने इनकरेक्ट दिया हुआ है आपके लिए, स्केयर्सली या हार्डली कोई भी वर्ड हो सकता है, ही हैड गॉन देन हिज ब्रदर रिटर्न फ्रॉम हिज ऑफिस। तो यहाँ मान लीजिए स्केयर्सली है या हार्डली है, कोई भी एक शब्द है, और हमने क्या लगाया दो सेंटेंस को, यहाँ पर गॉन पर कंप्लीट होता है पहला सेंटेंस और सेकंड सेंटेंस हिज ब्रदर से फिर से स्टार्ट होता है, बीच में हमने लगा दिया देन, और आपको बताया क्या, देन नहीं लगाते हैं, क्या लगाते हैं, वेन या बिफोर लगाते हैं। तो हम यहाँ करेक्शन में क्या कर देंगे, सिर्फ वेन का यूज कर देंगे इस देन को हटाकर, बाद बाकी आपका वही रहेगा, क्या, स्केयर्सली या हार्डली ही हैड गॉन वेन हिज ब्रदर रिटर्न फ्रॉम हिज ऑफिस। क्लियर हो गया होगा इतना। नेक्स्ट रूल है हमारा, नेक्स्ट रूल है अनलेस या अनटिल, दोनों का अर्थ आपको पता है, अनलेस और अनटिल का अर्थ होता है जब तक कि नहीं, यानी कि इन दोनों का ही सेंस क्या होता है, नेगेटिव सेंस होता है। तो अगर नेगेटिव वर्ड है ये दोनों तो जाहिर सी बात है इसके संग हम दूसरा नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करेंगे। तो क्या रूल हुआ हमारा, अनलेस तथा अनटिल दोनों ही नेगेटिव वर्ड हैं, इनके साथ नॉट या नेवर का प्रयोग नहीं करते हैं। ध्यान दीजिए ये बहुत आता है एग्जाम में और सभी एग्जाम्स में आता है, ऐसा नहीं है कि क्लास एग्जाम में ही आ रहा है, कंपटीशन में नहीं आ रहा है। सभी लोग आज जो क्लास में है कल वो कंपटीशन फाइट अवश्य करेंगे, और जो कल कंपटीशन फाइट करेंगे उन्हें भी अपने घर के बच्चों को देखना होगा। तो इसलिए ये चीज को सभी को ध्यान रखना है, क्या है ये नियम, क्या है कि अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड,
यदि तुम कठिन कार्य नहीं करते हो तो यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे। मैथ का भी एक रूल है कि माइनस और माइनस मिलकर क्या होता है, सभी जानते होंगे, माइनस माइनस मिलकर क्या होता है, प्लस हो जाता है। ऐसे ही जब हम नेगेटिव और नेगेटिव दो चीजों को मिला देंगे तो क्या होगा, वो अफर्मेटिव हो जाएगा। अगर हम इसी को पढ़ते हैं तो इसको हम ऐसा पढ़ेंगे, यदि तुम कठिन कार्य करते हो, क्योंकि ये इस समय अफर्मेटिव हो गया, डबल नेगेटिव यूज कर दिया है, तो तुम फेल हो जाओगे, तो हमारा सेंस गलत हो गया। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ जो डू नॉट है उसको हमें हटाना होगा। तो अनलेस यू वर्क हार्ड, यू है, यू के संग में एस आई एस नहीं आता है, इसलिए सेंटेंस क्या रहेगा, अनलेस यू वर्क हार्ड, कॉमा, फिर यू विल फेल, ऐसा ही आप उतार देंगे, इसमें कोई चेंज आपको नहीं करना है, ध्यान देने हैं इस रूल को आपको अच्छे से, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। नेक्स्ट है रूल हमारा, देखिए बोथ और एंड, ये भी रूल आपने पढ़ा था कि बोथ के साथ में हमेशा एंड का प्रयोग किया जाता है। तो ये जिस समय एग्जाम में आता है उस समय हम भूल जाते हैं इस चीज को, और हमें वही सही लगने लगता है जो हमारी आंखों के सामने होता है। जैसे इनकरेक्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, बोथ राम बट सुनील हैव पास्ट, दोनों ही राम लेकिन सुनील पास हो गया, गलत हो गया। तो क्या करना चाहिए हमको, बोथ के संग क्या आता है, एंड, बट नहीं आएगा, तो करेक्शन क्या रहेगा, बोथ राम एंड सुनील हैव पास्ट। प्रैक्टिस जरूर किया करिए सेंटेंसेस की, प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट मैन ऑलवेज, ये हमेशा प्रॉब्लम आपने सुनी होगी। नेक्स्ट रूल क्या है, दो या ऑल दो, दोनों ही शब्द एक ही मीन्स रखते हैं, दो या ऑल दो, माने क्या होता है, यद्यपि, दो या ऑल दो के साथ क्या आता है, बट, क्या आता है, बट का प्रयोग नहीं करते हैं। कैसे, जैसे ये है सेंटेंस, दो ही वर्कड हार्ड, माने यद्यपि उसने कठिन परिश्रम किया, बट ही फेल्ड, लेकिन वह फेल हो गया, अर्थ में तो हमें बिल्कुल ये फिट लग रहा है, कोई भी इसमें मिस्टेक नहीं लग रही है, लेकिन फिर भी ये क्या है, सेंटेंस बिल्कुल इनकरेक्ट है। क्यों, क्योंकि दो या ऑल दो के संग जो कॉमा होता है उसका अपने आप में ही अर्थ फिर भी या लेकिन माना जाता है, इसलिए ये सेंटेंस का जो करेक्शन हुआ क्या हुआ, दो या ऑल दो ही वर्कड हार्ड कॉमा ही फेल्ड, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट रूल देखिए, एक एक रूल करके हम आपको बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं, इन रूल्स को आप अपनी नोटबुक पर अवश्य उतार लें सभी लोग, और समय के साथ साथ अपनी पढ़ाई करें, लॉकडाउन चल रहा है बच्चों, आप लोगों के लिए ही स्पेशल हमने ये चैनल बनाया हुआ है, जिससे कि घर में बैठे हुए बच्चे सभी लोग अच्छे से इसको डीपली पढ़ाई कर सकें। नेक्स्ट रूल है आपका रूल नंबर 9, इसमें देखिए एज वेल एच के साथ वर्ब का प्रयोग सिंगुलर नंबर में होता है, तो किसमें होगा, एज वेल एच के साथ वर्ब का प्रयोग सिंगुलर नंबर में होगा। तो ध्यान दीजिए, देखिए एज वेल एच का अर्थ तो और का होता है, जो एंड का होता है सेम अर्थ वही होता है, लेकिन इसमें ध्यान देंगे जब दो सब्जेक्ट हैं, जैसे सोहन एज वेल एज रमेश एज वेल एज सोहन, तो दो लोग हो गए, तो दो लोग हमारे अनुसार प्लूरल नंबर में होते हैं, लेकिन एज वेल एज का रूल ये है कि उसके संग हमेशा सिंगुलर नंबर के वर्ब ही आए, सोहन इज रिच, रमेश एज वेल एज सोहन इज रिच, ये क्या है हमारे सिंगुलर वर्ब का यूज, इसमें एज वेल एज के साथ होगा, ये याद रखना है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल है आपका लीस्ट, लीस्ट के साथ हमेशा शुड का प्रयोग करते हैं, आपको मालूम होगा लीस्ट का अर्थ होता है कहीं ऐसा ना हो, तो इसके साथ नॉट का प्रयोग आपको कभी नहीं करना है, ध्यान देंगे
लीस्ट के साथ नॉट का प्रयोग आपको कभी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि लीस्ट का अपने आप में ही अर्थ होता है, कहीं ऐसा ना हो। तो यहाँ पर क्या नियम हो जाएगा, जो करेक्शन होगा क्या बनेगा, वर्क हार्ड लीस्ट यू। अब मे की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर, शुड, क्योंकि रूल है लीस्ट के साथ शुड का प्रयोग करते हैं, लीस्ट यू शुड फेल। ऐसे ही आपको ध्यान होगा इन ऑर्डर दैट और सो दैट के साथ मे या माइट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट रूल है आपका एज इफ या एज दो के साथ हमेशा वर्ब का प्रयोग किया जाता है, यानी कि प्लूरल नंबर का ही प्रयोग हमेशा आपको करना होता है। किसके साथ? एज इफ या एज दो। तो ही लुक्स एज इफ ही वॉज वेरी, वह दिखाई देता है जैसे कि वह बहुत चिंतित हो। तो जब एज इफ हमने क्लॉज के रूप में यूज किया हुआ है तो यहाँ पर जो वॉज है वो क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। करेक्ट वर्ड क्या होगा, वॉज के स्थान पर आप क्या लगाएंगे, वर्ब का प्रयोग करेंगे, तब हमारा जो सेंटेंस बनेगा ही लुक्स एज इफ ही वर वियरी, ये इसका करेक्शन होगा। क्लियर है इतना? नेक्स्ट रूल है हमारा, तो नेक्स्ट है जब सच या सेम, पढ़ा है आपने सच या सेम का एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, ये इंपॉर्टेंट रूल है। ये यूज जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, आपने देखा होगा कहीं कहीं सच या सेम के साथ दैट को सही कर देते हैं और कहीं कहीं सच या सेम के साथ एच को ही सही माना जाता है। तो ये क्या रूल है, इसको विशेष ध्यान देंगे कि जब सच या सेम का एडजेक्टिव की तरह यूज होता है तो एच का प्रयोग करते हैं आप, लेकिन सच या सेम का प्रयोग जब प्रोनाउन के रूप में होगा तो आपको दैट का प्रयोग करना होगा, ये ध्यान में रखेंगे। जैसे एडजेक्टिव क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, ये तो मालूम ही है आपको। जैसे ये आई हैव सच अ बुक विच यू कैन नॉट फाइंड एल्सवेयर, मैं ऐसी एक किताब रखता हूं जो कि किसी के पास नहीं मिल सकती है। तो जो कि के सेंस में हमेशा सच या सेम जब एडजेक्टिव के रूप में होगा तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, एच का यूज करना होगा। तो सेंटेंस हमारा क्या बन जाएगा, आई हैव सच अ बुक एज यू कैन नॉट फाइंड एल्स वेयर। क्लियर है? और यही चीज यदि प्रोनाउन के रूप में है तो हम क्या यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। कैसे? जैसे ये सच वॉज द ब्यूटी ऑफ द ताजमहल। अब सच वॉज से पहले यूज कर रहे हैं, प्रोनाउन के रूप में यूज हो रहा है, इसलिए यहाँ जो विच यूज किया है वो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। इसके स्थान पर जो करेक्ट वर्ड होगा क्या होगा, दैट। तो विच के स्थान पर आप क्या लिख देंगे, दैट, और बाद बाकी सेंटेंस इसी को आप कॉपी कर देंगे। क्लियर है? नेक्स्ट रूल आप देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान में रखेंगे, बसा लीजिए आप अपने दिमाग में, क्या है। देखिए सिंस का प्रयोग जब कंजंक्शन के रूप में होता है तो सिंस से पहला क्लॉज, देखना सिंस दोनों चीजों में यूज होता है, प्रीपोजिशन में भी यूज होता है और कंजंक्शन के रूप में भी यूज किया जाता है। तो जब सिंस का प्रयोग कंजंक्शन के रूप में होता है तो सिंस से पहले वाला क्लॉज किसमें होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। किसमें होगा, पहला क्लॉज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और बाद वाला क्लॉज किसमें होगा, पास्ट इंडेफिनिट क्लॉज में होगा। दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पर, यदि नहीं भी दे रहा होगा तो आवाज सुनाई दे रही होगी। तो क्या होगा, पहला वाला क्लॉज किसमें होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और बाद वाला क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट में होगा। कॉपी पर लिख लीजिए आप अपनी और उसे रट डालिए ये नियम, और अपने माइंड में बसा लीजिए, जैसे आपको अपना नाम बसा हुआ है दिमाग में कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ की रहने वाली हूँ, ऐसे ही ये नियम भी रट लीजिए कि अगर सिंस का प्रयोग कंजंक्शन के रूप में हुआ है तो पहला क्लॉज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा और बाद वाला क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट होगा। तो क्या है, जैसे सेंटेंस 10 years past since
आई हैव परचेज्ड माई कार। अब ये दोनों ही पास्ट टेंस दे दिए हैं, तो आपको क्या करना है, क्योंकि सिंस हमें दिख रहा है ये हमारा कंजंक्शन रूप में है, तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, 10 years पास्ट। हमें बनाना किसमें है, प्रेजेंट परफेक्ट, तो कितना, 10 years हैज पास्ड सिंस आई। अब किसमें बनाना है, पास्ट इंडेफिनिट में, सिंस आई परचेज्ड, हैव हट जाएगा, माय कार। तो ये सेंटेंस आपको बनाना है। क्लियर हो गए होंगे रूल अब तक, और अगर कहीं अभी भी कहीं आपको कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप पूछ सकते हो। इसके अलावा थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस भी करा दें, कुछ सेंटेंस आपके लिए भी देते हैं, जो कि आप 1 by 1 10 seconds के अंदर आंसर उसका भेजेंगे। फर्स्ट सेंटेंस इज, ही लुक्स एज इफ ही इज इनसेन, ही लुक्स एज इफ ही इज इनसेन, एंड टाइम इज स्टार्ट। आंसर लिखा सभी ने, और अपना आंसर चेक करिए, क्या आपका आंसर हमारे आंसर से मैच कर रहा है। यदि मैच कर रहा है तो आप सभी का आंसर करेक्ट है, और जिन्होंने थोड़ी सी भी मिस्टेक की है वो अपनी मिस्टेक को इम्प्रूव कर लें, क्योंकि रूल क्या है कि एस इफ के साथ में हमेशा वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ये आपने रूल में पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले, तो ही लुक्स एज इफ ही वर इनसेन, सही आंसर ये होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी ऑफर्ड देम बोथ फूड एज वेल एज लॉजिंग। ध्यान से सुन लेंगे, वी ऑफर्ड देम बोथ फूड एज वेल एज लॉजिंग, क्लियर, एंड टाइम इज स्टार्ट। आंसर इज, देखिए आंसर मैच करिए अपने आंसर से, क्या आप लोगों ने आंसर वही लिखा है जो हमने लिखा है। यदि हमने लिखा है वही है आपका, तो आप भी सही हैं। वी ऑफर्ड देम बोथ फूड एंड लॉजिंग, क्योंकि आपको मालूम है कि बोथ का जो पेयर होता है एंड होता है, एज वेल एज नहीं होता है, तो आंसर क्या हुआ, वी ऑफर्ड देम बोथ फूड एंड लॉजिंग, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, नाइदर सीता और हर सिस्टर्स हैव कंप्लीटेड द वर्क, नाइदर सीता और हर सिस्टर्स हैव कंप्लीटेड द वर्क। अच्छे से समझ लिया होगा आपने, टाइम इज स्टार्ट नाउ। क्या रहा इसका, नाइदर सीता नॉर हर सिस्टर्स हैव कंप्लीटेड द वर्क, क्या किया आपने, क्योंकि नाइदर का जोड़ा और नहीं होता है, नाइदर का पेयर क्या होता है, नॉर होता है, तो सही आंसर है, हमें पेयर को करेक्ट करना था, नाइदर सीता नॉर हर सिस्टर्स, ये बात बाकी ऐसा ही उतर जाएगा, सिस्टर्स हैव कंप्लीटेड द वर्क। मैच करिए अपने क्वेश्चन को, अगर कहीं गलती की है तो उस गलती को इम्प्रूव करिए। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द फॉक्स वॉज क्लेवरर फ्रॉम द क्रॉ, लोमड़ी कौवे से अधिक चालाक थी, द फॉक्स वॉज क्लेवरर फ्रॉम द क्रॉ, टाइम इज स्टार्ट। आंसर इज, द फॉक्स वॉज क्लेवरर देन द क्रो। देखिए यहाँ पर क्या है, क्लेवरर यानी कि कॉम्परेटिव डिग्री, आपको मालूम है कॉम्परेटिव डिग्री जब होती है तो फ्रॉम के स्थान पर देन का प्रयोग किया जाता है, यानी कि कॉम्परेटिव डिग्री के बाद हमेशा देन का यूज किया जाता है, किसी और कंजंक्शन या प्रीपोजिशन का यूज वहां पर नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, द फॉक्स वॉज क्लेवरर देन द क्रो, चेक करिए अपना, देखिए आपने कहाँ मिस्टेक की है और कहाँ सही किया है,
मिस्टेक किया है तो इम्प्रूव करिए, सही किया है तो अपने आप को वेल डन करिए, अपनी पीठ ठोंक लीजिए तुरंत कि आपने बहुत अच्छा किया है अपने लिए और सभी बच्चों के लिए, क्लैपिंग करिए, खुशियां मनाइए कि आप लोगों को सेंटेंस आ रहे हैं बनाने। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए, यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू विल नॉट वर्क हार्डर। सेंटेंस को ध्यान से पढ़ लीजिए, यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू विल नॉट वर्क हार्डर। तो अपना अपना सेंटेंस का आंसर जो है वो भेजिए। टाइम इज स्टार्ट। You will not succeed unless you work harder. आपको मालूम है कि unless वाले sentence या until वाले sentence में हम negative form नहीं लगाते हैं। दूसरा रूल ये भी आपने पहले ये भी सीखा हुआ है कि if या unless वाले sentence जो होते हैं, जब आपने conditional sentence सीखे थे तब आपने ये बात भी सीखी थी। देखिए conjunction हो या कोई भी correction rule हो तो depend करता है कि हमने पिछले rules, सारे rules हमारे mind में पैक्ड हैं, रखे हुए हैं, अच्छे से तैयार है, हमारे मेकअप हैं, तो सभी चीजें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ऐड कर दी जाती हैं। तो क्या है कि अनलेस इफ वाले सेंटेंस जो होते हैं कभी भी फ्यूचर टेंस में नहीं बनते हैं, तो इसका करेक्शन क्या रहेगा, विल भी आपको हटाना पड़ेगा। तो यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्डर। ध्यान रहेगा कि इफ या अनलेस वाले जो सेंटेंस होते हैं, इफ मीन्स यदि होता है, अनलेस मीन्स यदि नहीं होता है, तो अगर ये शब्द आते हैं तो इनके सेंटेंस को हम फ्यूचर टेंस में नहीं बनाते हैं। पहला हमारा फ्यूचर में हो ही गया है तो हमारा दूसरा जाहिर सी बात है प्रेजेंट में ही रहेगा। तो यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्डर। देखिए अपनी आपने कहाँ कमी की है, और यदि कमी की है तो इस रूल से आप कुछ सीखिए और ध्यान रखिए कि आगे ये मिस्टेक आपसे ना हो। और अगर किसी ने सही बनाया है बिल्कुल, तो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन हमारी तरफ से। और आगे के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करेंगे, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट डे। एरर्स, ओनली एरर्स, यानी जितने भी चैप्टर्स आपने अब तक सीखे हैं उन सभी की प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग सभी इकट्ठे रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग रहेंगे यहाँ पर, जिससे कि आपको सभी को अच्छे से सारे रूल्स की नॉलेज हो जाए। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय।